चलिए मैं आपको ले जाऊंगी सुनहरे सफर पर, मेरे साथ आप चलेंगे सिक्किम गैंगटॉक। And if you are curious enough to visit this wonderful place, please do your packing along with me. Let's begin. Yani Anisha ke saath, aapke sutradhar. Aur yahan jaane ke liye aapko obviously bahut si taiyari karne padenge, bahut si packing karne padenge. As you can check my bed out. बहुत सारे स्वेटर्स ले जाने पड़ेंगे क्योंकि और आप पागल हो जाओगे, आप कौन से लेके जाओगे कौन से नहीं। बट माइंड यू, आप जहाँ जा रहे हो वो है सिक्किम गैंगटॉक, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड, एंड इट्स वेरी कोल्ड आउट देयर। इट्स चले, इट्स गोइंग टू बी स्नोई आउट देयर, सो कीप दिस थिंग इन माइंड एंड डू योर पैकिंग अंटिल इट्स डन विद योर शूज एज वेल, दैट्स अ मैंडेटरी थिंग। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन हम लोगों को हमारे सुनहरे सफ़र पर जाना था। तो हम लोग सब तैयार होके, मेरी मम्मी और मेरे भाई मिलके हम लोग चले हमारे सफ़र पर। स्वागत है आप सभी का, मैं आपकी अनीशा सरकार, आपकी सूत्रधार। हम लोग जा रहे हैं शिलीगुड़ी, वहाँ से जाएंगे सिक्किम, उड़ के नहीं चलते हैं हमारे सफ़र पर। हमारी ट्रेन का नाम दार्जिलिंग मेल था और ये ट्रेन डॉट 10:15 को शियालदा से रवाना हुई, यानी कि 10:15 रात को, रात का वक्त था। हाँ जी, तो हम लोग सब चले हमारे सफ़र पर, हमारे साथ और भी यात्रियां थे। रात को नींद ना आने की वजह से मिडनाइट स्नैक्स खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। अगले दिन हम लोग पहुँच गए हम लोगों के मुकाम पे, जो था एनजेपी जलपाईगुड़ी। और अगर आप मेरे जैसे क्यूरियस हो कि शिलीगुड़ी के स्टेशन को हम लोग एनजेपी क्यों बुलाते हैं, क्योंकि ये जगह जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है इसलिए। और उतरते ही हम लोग ने हमारा नाश्ता कर लिया और हम लोग चल बसे हमारे अगले मुकाम पर जो कि था गैंगटॉक। तो हम लोग हमारे हसीन सफ़र पर चल ही रहे थे कि हम लोगों का सामना हुआ तीस्ता नदी के साथ, जो हमारे साथ चल रही थी। ये था हमारा व्यू जहाँ हम लोग उतरे थे हमारे लंच खाने के लिए। बिलीव नहीं हो रहा, खुद ही देख लीजिए। सो माई मॉम थॉट ऑफ हैविंग अ वेज थाली, मी सम चिकन मोमोज एंड माई ब्रदर सम चिकन चाउमिन, एंड वी हेडेड टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। यस, तीस्ता हमें फॉलो कर ही रही थी। और 3 घंटे बाद हम लोग पहुंच गए हमारे होटल पर, जो कि बहुत ही सुंदर था, पर हम लोग हमारे घर जैसे बना ही लिए। शाम का वक्त था और गैंगटॉक बहुत ही बेहद ही सुंदर लगता है शाम को, और मैंने सोचा कि एक शॉट तो ले ही लेते हैं, पर अंकल जी ने रून कर दिया। गैंगटॉक की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको हर एक जगह खिले हुए फूल मिलेंगे, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे होटल से कुछ ही दूरी पर था एमजी मार्ग, जो कि बहुत फेमस है, गैंगटॉक के हार्ट में बसा हुआ है ये जगह, और यहाँ आपको बहुत सुंदर सुंदर चीज़ मिलेंगे। अगर आपको कुछ देना हो या तो फिर खुद के लिए ले जाना हो, घर सजाना हो या खुद को भी सजाना हो, आपको यहाँ ढेर सारे चीज़ मिल जाएंगे। हाँ, हैंस फोर्थ एमजी मार्ग इज़ द शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल द शॉपाहोलिक्स आउट देयर, तो यहाँ आना मत भूलिएगा और यहाँ के फूलों को भी एडमायर करना मत भूलिएगा, बहुत सुंदर है बहुत। मुझे सबसे ज़्यादा एस्थेटिक ये शॉप लगा, ये अपने ट्रेडिशंस और रूट्स को अकड़े हुए था। ठंडे हवा के कारण मैंने टोपी और स्कार्फ ले लिए। फाइनली वी डिसाइडेड टू हैव अवर डिनर एट दिस ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट व्हिच वाज द ड्रैगन वॉक। यस, इट इज़ अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट जहाँ आपको दूर से दो ड्रैगन दिखे सिक्किम में एमजी मार्ग में, तो वो है द ड्रैगन मार्ग। एंड वी ऑल ट्राइड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ आवर लाइव्स टूना मार्केट व्हिच वाज रॉ, द टूना वाज रॉ। यस, सो
if you guys don't have raw fish, please do not try this. My mom was totally disgusted by this because it has a strong smell of fish. So be careful. बोलना मत मैंने आपको वार्न नहीं किया था. पॉक चाउमिन बहुत ही डिलीशियस था, उसके साथ ये रैमन भी. एंड आफ्टर हैविंग डिनर माय ब्रदर सजेस्टेड समथिंग अबाउट रेड वाइन. यस, सो वी थॉट चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं. तो हमने ले लिया एक रेड वाइन टू कीप अस वार्म एट नाइट. तो आफ्टर डिनर हम लोग सोचे थोड़ा बैठ लेते हैं, थोड़ा टहल लेते हैं, पर बैठना सबसे ज़्यादा अच्छा लगा. और सबसे खूबसूरत बात ये बेंचेस होती है, आप यहाँ बैठ के गप्पे लड़ा सकते हो, प्यार कर सकते हो, प्यार का इजहार कर सकते हो. और वक्त था घर जाने का. हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था लाचुंग. सो मैं जल्दी जल्दी उठ गई, तैयार भी हो गई, और मेरी मम्मी पूरा सब पैकिंग कर ली खुद के लिए, और मैंने भी हेल्प किया. ऐसा नहीं है कि मैं नहीं हेल्प करती हूँ, मैं करती हूँ ज़रूर. तो पैकिंग हो गया, हम लोग चले हमारे नेक्स्ट पड़ाव की ओर जो कि था लाचुंग. तो हम लोग रेडी होके हम लोग चले गए, निकले, यहाँ वहाँ की खूबसूरती को थोड़ा टहला. और टैक्सी लेके हम लोग चल पड़े. आपको लाचुंग के रास्ते पे बहुत सारे फॉल्स मिलेंगे, और उन्हीं में से एक फॉल्स का नाम बटरफ्लाई फॉल्स है, जो कि ये है. पानी तो देखो पूरा क्रिस्टल क्लियर. और हम लोग चल पड़े लाचुंग की ओर. लाचुंग बहुत ही दूर है गैंगटॉक से. यहाँ आपको दो दिन रुकना पड़ेगा क्योंकि आते जाते ही बहुत टाइम चला जाता है लाचुंग के लिए. अगर आप लाचुंग जा रहे हो और पैकेज में जा रहे हो, तो सबसे ज़्यादा बढ़िया बात यह होता है कि आपको किसी चीज़ का हेडेक नहीं लेना पड़ेगा. आप कहाँ खाओगे, कहाँ सोओगे, किसी चीज़ का भी हेडेक नहीं लेना पड़ेगा. और परमिट भी ड्राइवर साहब ले लेते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है. और अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, या तो फिर मानिए हम लोग तीन जन जा रहे हैं, तो हम लोगों के साथ और भी जन थे जिन लोगों के साथ हम लोगों ने बहुत मस्ती मजाक किए, और ये सुनहरे सफ़र बहुत ही यादगार बन गया. और लाचुंग की ओर हम लोग पहुंच गए अमिताभ बच्चन फॉल्स, जो कि अमिताभ जी के नाम पर रखा गया है क्योंकि ये बहुत ही लंबा फॉल्स होता है इसी के वजह से. समय हो रहा था जाने का, मगर दिल नहीं कर रहा था जाने का. मैं बहुत ही आभारी रहूँगी जिन्होंने हमको, हम सभी को जो हमारे इस सुनहरे सफ़र में थे, उनको सेफली यहाँ उन्होंने पहुँचाया, और हमारे इस
इस सफर में वो भी साथी बने। उनका लुक ही देखिए, उनका नाम है गणेश अयहर। वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी इंसान है और बहुत रिस्पॉन्सिबल भी, पंक्चुअल भी, और हाँ, यहाँ के लोग बहुत जेंटल होते हैं और बहुत ऑनेस्ट। आखिरकार शाम का वक्त था और हम लोग पहुँच गए लाचोंग। ये था हमारा होटल रूम जिसमें दो बेड शामिल थे। इनमें से एक तो मैंने कब्जा कर ही लिया था और एक में मम्मी और भाई के लिए, क्योंकि मुझे अकेला सोना पसंद है। बट यहाँ बहुत ठंड था, बहुत। ये है लाचोंग का दृश्य रात का, जो कि आपको बहुत ही शांत सा माहौल मिलेगा, लेकिन हाँ, आपको ठंडी हवाएं या तो फिर नदियों की आवाज़ बहुत मिलेंगे। हेलो, एंड इट वॉज टाइम फॉर डिनर। और यहाँ के चावल में कुछ अलग ही मिठास होती है, मुझे बहुत पसंद है यहाँ का चावल खाना, बहुत। जो बंदी नाइट शिफ्ट करती हो वो सुबह सुबह उठकर टहलने चली, क्योंकि सुंदरता ही कुछ ऐसी थी। अगर आप सोच रहे हो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग जा रहे हैं यमथंग वैली, वहां से जाएंगे जीरो पॉइंट। हाँ, आपको यमथंग वैली से ही बर्फ़ दिखना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ बहुत ठंड होता है, बहुत, लाचोंग से भी ज़्यादा, तो आप सोच लीजिए कितना ठंड होगा। वक्त हो रहा था ब्रेकफास्ट का। चलिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। चलते चलते जीरो पॉइंट को जीरो पॉइंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आफ्टर यमथंग वैली देयर आर नो सिविलियंस प्रेजेंट, बिकॉज यहाँ इतना ही ठंड होता है कि लाइफ पॉसिबल नहीं होता है। और ये 15,300 फीट अबव द सी लेवल है, मतलब सोच लीजिए कितने हाइट पर है हम लोग। और हम लोग पहुंच गए जीरो पॉइंट पर। आपको यहाँ बहुत ग्लेशियर्स फ्रोजन मिलेंगे। For the first time ever, I noticed something about my mom, who totally transformed herself into a little girl who just wants to play with snow. Yes, जो भी बोले, दिल तो बच्चा है जी। But on a serious note, अगर आप इतने high altitude पे हो तो आपको इतना movements नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ oxygen की थोड़ी कमी होती है। आपको oxygen tank लेके जाना पड़ता है। अगर आपको ऑक्सीजन का लेवल कम लगे तो आपको वो लेना पड़ेगा। तो थोड़ा देखकर मज़ा कीजिए, बी केयरफुल, दैट्स ऑल आई मीन। या तो फिर आप मज़ा कर ही सकते हैं, मुझे देख रहे हो आप।
पर आई वॉज लिटरली पैंटिंग, आई वॉज सो आउट ऑफ ब्रेथ। लेकिन लेकिन इतना स्नो कहाँ मिलेगा, है ना? If you're not wearing something which is covering your legs, by which I mean the shoes, if they are not water resistant, you have to borrow boots. Boots आपको खरीदने पड़ेंगे क्योंकि आपको यहाँ चलने में ऐसे भी दिक्कत होंगी, but again it will be covering your legs. लेकिन बूट्स का एक डिसएडवांटेज ये है कि आई स्लिप्ड अ लॉट इन द स्नो। यस, इतना बार मैं गिरी, मैं क्या बताऊं। वक्त हो गया था जीरो पॉइंट से वापस जाने का और यहाँ इतना ठंड है, इतना ठंड है कि मैं क्या बताऊं, इतना ठंड है आप जम जाओगे, आपका नाक लाल हो जाएगा, फिर भी इस ठंडी हवा में अलग सा नशा है। और आते जाते रास्ते में आपको इतने सुंदर सुंदर ग्लेशियर्स मिलेंगे, इतना सुंदर फॉल्स मिलेंगे कि आप चकाचौंध हो जाओगे। और यहाँ बूट सबसे ज्यादा काम आएंगे, आप वाटरफॉल्स पे उतर पाओगे। ये सब सीनिक ब्यूटी के बीच फोटोशूट कराने का मजा ही कुछ अलग होता है। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक मी एंड माई बेबी ब्रदर वेयर रिविजिटिंग अवर चाइल्डहुड एंड यस इट वॉज फन इंडीड। I also collected a lot of stones so that I can take them home as a souvenir. And we are back to Yamthang Valley. अब वक्त हो गया था लाचुंग जाने का हमारे होटल पर। हम लोग सभी टायर्ड हो गए थे। तो हम लोग लाचुंग आके हमारे लंच करके मैं और मेरे भाई निकल पड़े ट्रैकिंग करने। और जो कि सबसे बड़ी गलती थी, मैं आपको सबको सजेस्ट करूंगी, नेवर एवर हैव लंच एंड देन गो ऑन ट्रैकिंग। इट विल रुइन यू, यू विल बी पैंटिंग, आई एम सीरियस। But it was all worth it when we landed on this monastery. It was time to bid adieu to Lachong and we were headed towards Gangtok again. आखिरकार बिछड़ने का समय आ ही गया और हम लोग को सबको बाय बाय बोलना था क्योंकि हम लोगों का लाचुंग का सफ़र इन लोगों के साथ यहीं तक सीमित था। वीडियो
वीडियो। और लाचुंग से आते ही हम लोग चल पड़े हमारे सफर पर, क्योंकि हम लोगों को गैंगटॉक एक्सप्लोर करना था। और गैंगटॉक रोपवे से सबसे ज्यादा अच्छा दृश्य हमें कोई नहीं दिखा सकता। और हम लोग पहुंच गए रोमटेक मोनेस्ट्री, जो कि सिटी से बहुत ही दूर है। आपको दिखेंगे सेटलमेंट्स दूर, वो है सिटी और ये है रोमटेक। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अंदर की वीडियो क्यों नहीं ली हूँ, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्टली लिखा था इट्स प्रोहिबिटेड, सो आई थॉट ऑफ रिस्पेक्टिंग इट। हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी जनों को। आज हम लोग रुंती गुम्पा पे आए हुए हैं। रुंती गुम्पा का जो क्या नाम है, मैडम ने विश किया था उनको अच्छा पति मिल जाए, वो भी आया क्वाइन है ना, उनका सैलरी भी बढ़ जाएगी। और यहाँ का मेमोरीज के लिए एक छोटा सा वीडियो बना दिया। मैं मनीष कुमार सिंह फ्रॉम सिक्किम, मेरे साथ आज उन्होंने घूमने आए थे, उनके लिए छोटा सा वीडियो मेमोरीज के लिए। नमस्कार सभी जनों को। और मनीष जी ने हमें ये भी सिखाया कि अगर आप कॉइन डालते हो उस चीज के ऊपर तो आपका विश पूरा होता है। मनीष जी ने हमें अपना गांव भी दिखाया और वो था नबीन, उस गांव का नाम। और ये हिल पॉइंट अति सुंदर है, तीनों हाथी कितना सुंदर दिखते हैं जैसे टाइगर ही। आज सारा काम खत्म हो गया। पहले मोमो खा लेते, स्पाइसी हो जाएगा है ना। बस मेरे को फ्राई किए और हम लोग पहुंच गए एमजी मार्ग पर फिर से शॉपिंग करने, कुछ खाने पीने के लिए, कुछ लेने के लिए। चलिए मैं दिखाती हूँ यहाँ के औरतें कैसे, कौन से टाइप के ज्वेलरी पहनते हैं अपनी शादी में या तो फिर कुछ स्पेशल ओकेशन हो गया। और ये सब है गोल्ड ज्वेलरी। यहाँ के डिजाइन कुछ अनोखे हैं विद कलरफुल बीड्स, एंड आई थिंक मैं भी अपने शादी में ऐसे ही टाइप के कुछ पहन लूंगी, पर पति तो मिले। सिक्किम के केक्स भी बहुत डिलीशियस होते हैं, आपको बहुत सारे वैरायटीज में मिल जाएंगे। मैंने कभी एवोकाडोस ट्राई नहीं किए, तो आई ट्राइड इट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड इट वाज बटरी। और अगले दिन का पड़ाव था, हम लोगों को जाना था नथुला पास, बाबा मंदिर, चांगू लेक। इवन दिस डॉगी एग्रीज, प्रेम की ना बोझे भाई। चाइनीज गवर्नमेंट नथुला ये जो वर्ड है इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं कैसे, आपको पता है? अ प्लेस वेयर स्नो इज डीपेस्ट एंड द विंड स्ट्रॉन्गेस्ट, एंड आई कैनॉट एग्री मोर। Finally, we reached one of our destination, which is the Nathula Pass, and it is very famous. And you can check a lot of army guys with their arms and ammunition. They are standing and protecting our nation by protecting the boundaries that we share with our neighboring country, which is the Chinese government. Yes,
So you will be noticing a lot of Chinese men at work. By that I mean army. Yes, those are the Chinese army, and yes, they are quite hot. Next destination was Baba Mandir. उसके बाद हम लोग पहुंचे शांघाई लेक, और इस जगह को मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी, इतना सुंदर जगह है ये। और अगर आपको याक का सवारी लेना हो तो आप यहाँ पे झिझक ले सकते हो, पर इट्स क्वाइट प्राइसी, अराउंड 500 rupees वन राइड। सो आई सजेस्ट यू टू हैव फन विद स्नो इंस्टेड। Promise me one thing, when you will come to Shanghu Lake, always take this rope way. Trust me, this is the rope to heaven. It will take your breath away. Because ye jo jis jahan aur jis mukam pe aapko leke jayega na, aap wahan dang reh jaoge dekhte, kyunki yahan ka beauty hi kuch alag hai, kuch alag aur khaas sa hai. Aapko settlements bhi dikhenge, each and everything dikhenge upar se, और ये आपको लेके जाएगा कहीं और दुनिया पे। ये है वहां का व्यू, दैट इज कांचनजंगा माय फ्रेंड्स, दैट हिल। It will cost only 380 per person for this perfect ride, and that's the perfect end. और हमारा ये last दिन था सिक्किम पे। और हाँ, taste of Tibet पे जरूर आइएगा, यहाँ भी बहुत delicious खाना मिलते हैं और reasonable price में। We tried some beef dried fry along with pork momos and some veg chow mein. Yes, that was the last meal that we had in Sikkim. अगले दिन हमारा ट्रेन था पोदातिक एक्सप्रेस, जो कि रात को 8:30 बजे से रवाना होके NGP से शियालदा। It was time to bid adieu to this place, Sikkim, Gangtok, or to each and every place which we have been through in this past week, 1 week. Yes, it was a 1 week trip. So, सभी जगह को मैं अलविदा कहना चाहती हूँ, और हम लोग पहुँच गए हमारे घर पर। These are the things which I collected. If you loved my creation, then please do support me by liking and subscribing and sharing my channel. Till then, take care. Khuda hafiz.